मैं संध्या दुबे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने जीवन में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। 11 दिसंबर 2014 को यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून घोषित किया गया था। तब से 21 जून 2015 को प्रथम बार योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और जब से प्रतिवर्ष हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम है मानवता के लिए योग। इससे पहले 2019 जो हमारी 20 की थीम थी मानवता के लिए, वो थी घर पर योग परिवार के साथ योग। क्योंकि महामारी के दौर में जब सभी लोग बहुत परेशान थे, तब योग एक प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में हमारी रक्षा कर रहा था। इसी थीम को आगे ले जाकर आज मानवता के लिए योग किया गया है कि हम योग को अपने जीवन में शामिल करें और निरोगी रहें। योग जो है लगभग 10,000 वर्षों से हमारी संस्कृति में शामिल है और रचा बसा है। योग की उत्पत्ति संस्कृत के युद्ध शब्द से हुई थी, जिसका मतलब था कि हम अपनी चेतना, सार्वभौमिक चेतना से जो हमारी आत्मा है उसको सार्वभौमिक चेतना से मिलाना। आप सभी जानते हैं कि एक निरोगी शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो काफी अव्यवस्थित कहनी चाहिए उसे। सुबह से उठते हैं, ऑफिस पे निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल पे निकल जाते हैं, घर के रहने वाले लोग घर के कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमने अपने आप को समय देना कम कर दिया है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम तनावग्रस्त रहते हैं, कई बीमारियों के शिकार होते हैं, लोगों को पता ही नहीं पड़ता, जाने अनजाने ही यह अनियमित दिनचर्या हम न जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रण अपने शरीर में दे लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमारी अपने परिवार के लोगों से और सभी से सिर्फ एक यही कहना है कि हम अपने जीवन में योग को एक उचित स्थान प्रदान करें, उसे अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। कम से कम सुबह 10 मिनट से भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि ये समय भी धीमे धीमे बढ़ेगा और हमारे अंदर बहुत सी जो हम कहीं तनाव महसूस कर रहे थे, कहीं हाथ पैरों में दर्द, कहीं कुछ, कई ऐसी बीमारियां हैं जिन पे हम योग को यदि सतत करते हैं और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो हम इन बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। सबसे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक ही अपील है, एक ही चाहना है कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। क्योंकि जब हम स्वस्थ और निरोगी होंगे तभी हम एक स्वस्थ भारत को, एक स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व है उसको एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। आज भारत में ही नहीं, सारे विश्व ने योग की शक्ति को पहचाना है और अपनाया है। लोग उसे तेजी से अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते जा रहे हैं। तो आज हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। हाँ, अपने यहाँ की हमें अपनी बहनों से, सखियों से ये कहना है कि योग आपको बहुत खूबसूरती भी प्रदान करेगा, तो आप इसे अपने व्यस्त दिनचर्या में, व्यस्त समय में थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।